हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? दोस्तों अगर आपको एक और नई ब्रांड न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, ठीक है। मैं आज की वीडियो के अंदर फिर से आपको एक बिल्ड देने वाला हूँ, ठीक है, बेस्ट बिल्ड होने वाले ग्रीडेंट पॉकीमोन का, ठीक है। मैंने इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे पॉकीमोन ऑलरेडी कवर कर दिए अपने चैनल पर। विनसर हो गया, लुकैरी हो गया, इसके ग्रीन निंजा हो गया, ठीक है, जरार हो गया, सभी के बिल्ड मैं ऑलरेडी आपको चैनल पर देख चुका हूँ, ठीक है। सिंपल से आपको सभी का लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको उन बिल्स में जाकर देखना है तो वो भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर हम बेस्ट बिल्ड आपको फुल बेस्ट ग्रीन गाइड आपको देने वाला विद हेल्ड आइटम्स, ठीक है। आपको ए टू सब समझा दूंगा इजी वे के अंदर कि आपको कौन-कौन से हेलमेट्स लगाने चाहिए, प्लस क्या-क्या इसके बेस्ट मूवसेट्स हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि सबसे पहले पोकेमोन यूनाइटेड रिलेटेड कंटेंट जो है मेरे चैनल पर जाना होता रहता है, प्लस फनी लाइव स्ट्रीम्स वगैरह भी मैं करता रहता हूं, ठीक है। और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, सिंपल से क्लिक करके जो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कोई देरी करते नहीं, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम अपन बात करते हैं हेल आइटम्स के बारे में जो कि आप ग्रीडेंट के ऊपर लगा सकते हो। सबसे पहला आता है मसल बैंड, ठीक है। मसल बैंड बेसिकली करता क्या है, आपका बेसिकली जो डैमेज इंक्रीज है बेसिक अटैक का, और जितनी ज्यादा बेसिकली आपकी एचपी होगी उतना ज्यादा बेसिकली आपका डैमेज डील करेगा ग्रीडेंट, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल आइटम जो कि आप ग्रीडेंट के ऊपर यूज कर सकते हो। प्लस दूसरा साथ में आता है फोकस बैंड। अब फोकस बैंड बेसिकली आपकी एचपी रिकवर करता है अब जब आप लो होते हो, ठीक है। तो ये दोनों आपको यूज करने चाहिए, ठीक है। बेसिकली जैसे कि आपको पता है आपको डिफेंड भी करना होता है, कभी कभी अटैक भी करना होता है, तो ये वाला बेसिकली आपको हेल आइटम जरूर से जरूर रखना चाहिए। प्लस आपको एक बड़ी बैरियर की भी जरूरत पड़ेगी, जो थर्ड आइटम है वो आता है बड़ी बैरियर। बड़ी बैरियर कर तक है जब आपके पॉकीमोन यूनाइट मूव यूज करता है, ग्रीडेंट आपको यूनाइट मूव यूज करेगा तो जितने भी उसके नियर बाय पॉकीमोन होंगे आपके टीममेट्स उन सबको बेसिकली एक शील्ड प्रोवाइड हो जाएगी इक्वल टू 40% ऑफ देयर मैक्स एचपी, ठीक है। जितनी भी उनकी एचपी होगी उससे बेसिकली उनकी 40% तक जो है शील्ड मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ आइटम जो कि आप यूज कर सकते हो ग्रीडेंट के ऊपर। मैंने आपको तीन हेल्थ आइटम्स के बारे में बता दी इजी वे करना ताकि आपको भी इजीली समझ आ पाए, ठीक है। यहां से मैंने प्रैक्टिस मिशन जो स्टार्ट कर दिया, फटाफट से पहले मैं लॉबी के अंदर चला जाता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों अपन आ चुके हैं लॉबी वाले इंटरफेस पे, ठीक है। मैंने पहले का थोड़ा स्किप कर जो लोडिंग होता था, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करने वाला स्टार्टिंग करने वाले बेसिक अटैक से, तो बेसिक अटैक बेसिकली इसका क्या है, ठीक है। सबसे पहले बेसिक अटैक की रेंज छोटी छोटी है जैसे कि आप देख सकते हो। प्लस इसका हर थर्ड अटैक बूस्ट अटैक हो जाता है एज यूजुअल। प्लस जैसे बेसिकली आप थर्ड अटैक यूज करते हो आपका एक बेरी भी ड्रॉप करता है ग्रीडेंट, और आप सामने वाले बेसिकली पॉकीमोन को एनपीसी को किसी को भी हिट करते हो वो डैमेज प्रोवाइड करता है, लाइक जिससे किसी भी सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्लिक किया, दूसरा मैंने मारा, तीसरा बेसिक बूस्टर अटैक होगा जो कि अगर मैं इस एनपीसी को मारूंगा तो एक बेरी भी ड्रॉप करेगा जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। इससे थोड़े से हल्के मूवमेंट्स भी आपको फर्क पड़ता है, ठीक है। बेसिकली इसका हर तीसरा अटैक बूस्टर अटैक होता है प्लस आपको डैमेज भी प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। तो ये इसका सिंपल से बेसिक अटैक आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों अपन बात करने वाले टैकल की, उसके बाद हम बात करेंगे डिफेंस कल की। तो बेसिकली टैकल करता है जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं सपोज किसी को हिट करता हूँ लाइक जैसे कि आप देख सो यहाँ पे मैं लूडी कोलर लेता हूँ एज एन एग्जांपल, ठीक है। अगर मैं टैकल का पहले तो रेडियस देखो, मतलब अच्छा खासा आपका रेडियस आपको देखने को मिला डिसेंट अमाउंट सा। अगर मैं टैकल इसकी तरफ डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर छोड़ूँ तो एक तरह से क्या होगा, ग्रीडेंट हमारा लीप करेगा उस डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर, मतलब एक तरह से क्विकली मूव करेगा, एक तरह से छोटा सा डैश जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, सामने वाले पॉकीमोन को एनपीसी को आपको जिसको भी हिट करेगा उसको डैमेज पड़ेगा होगा, प्लस उसकी मूवमेंट स्पीड को छोटे से टाइम के लिए जो डिक्रीज कर देगा। और एक बात याद रखना कि जैसे भी इसलिए आपको अगर आप ये मूव को यूज करते हो, ठीक है, अगर आप इसके लिए वाला मूव यूज करते हो टैकल यूज करते हो, जो भी आपकी बैरीज होंगी आपके स्टैश होगी जो कि बैरीज मतलब आपने रखी होंगी आपकी टेल के अंदर ग्रीडेंट की, वो सारी बेसिकली कंज्यूम कर लेगा। इससे क्या होगा, जितनी ज्यादा बैरीज खाओगे जितनी ज्यादा बेसिकली मैरिज को आप स्टैश करोगे उतना ज्यादा बेसिकली आपका मूव को बेसिकली जो कूलडाउन है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। एज एन एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं सपोज इस एनपीसी को हिट करता हूं लाइक जैसे कि आप देख सकते हो इसको मैंने जो डैमेज मारा प्लस एक बैरी भी ड्रॉप हुई, ठीक है। तो जितनी ज्यादा बेसिकली आप बैरी को भी ईट करोगे, जितनी ज्यादा बेसिकली बैरी को आप स्टैश करोगे उतना ज्यादा बेसिकली आपका मूव का कूलडाउन भी रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये भी टैकल आप यूज कर सकते हो बेसिकली बैटल के टाइम पर वगैरह, ठीक है। तो अब अपन बात करने वाले डिफेंस कल की। बेसिकली डिफेंस कल करता क्या, बेसिकली आपके ग्राउंड बेसिकली आपके यूजर को लाइक आपके ग्रीडेंट है उसको एक शील्ड प्रोवाइड करता है, प्लस आपके सामने इन फ्रंट ऑफ यू बेसिकली एक बेरी भी ड्रॉप करता है। सपोज जैसे कि आप देख सकते हो मैं डिफेंस कल पे क्लिक करता हूं, ठीक है, आपके सामने एक बेरी भी ड्रॉप करी प्लस शॉर्ट टाइम के लिए आपको एक शील्ड भी प्रोवाइड कर देगा जैसे कि आप देख सकते हो। ब्लू कलर की आपने लेयर देखी होगी, एज एन एग्जांपल मैं आपको फिर आपको दिखाता हूं जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। एक बेरी भी ड्रॉप करेगा और आपको एक छोटे से टाइम के लिए शील्ड भी प्रोवाइड कर देगा। तो ये बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूव है जो कि आप यूज करते हो बैटल के टाइम पर। तो यहाँ पे दोस्तों अपन हम बात करने वाले स्टफ चीज के बारे में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल से बस क्लिक करता है, ठीक है, इसका स्पेशल अटैक है, ठीक है, ग्रीडेंट का बेसिकली करता है। जैसे कि आप देखो अगर मैं स्टफ चीज पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, एक टाइम पे तीन से चार बेसिकली बेरीज फेंकेगा, और जैसे कि आप देख सकते हो बेरीज फेंकेगा, और अगर आप उस बेरीज को ईट कर ले तो अगर आपकी एक्सपी मैच है जैसे कि आप ग्रीन वाला बार है जो ये मैक्स है तो आपको एक शील्ड प्रोवाइड हो देगी जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। मैं फिर से अगर मैं फेंक के दिखाऊंगा जैसे कि आप देख सकते हो आपको एक शील्ड प्रोवाइड हो देगी जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपकी एक्सपी मैक्स है तभी बेसिकली होगा, और आपको बेसिकली जैसे आप बेरी ईट करते हो तो आपकी एचपी रिकवर करने में भी मदद करता है, ठीक है। ऐसा नहीं अगर आप 50 एचपी बेरी ईट कर रहे हो तो आपको शील्ड प्रोवाइड हो देगा, नहीं, अगर आपका ग्रीन बार फुल है एकदम मैक्स है तभी आपको बेसिकली यहां पे जो है एक शील्ड ग्रांट होगी।
तो अब दोस्तों अपन बात करने वाले बुलेट स्पीड की, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो जो कि मेरा अनलॉक यहाँ पे हो चुका है। अब सिंपल से बुलेट स्पीड करता है, ये बेसिकली करता है स्प्लिट बेरी सीड्स इन डेजिग्नेटेड एरिया, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके रखूँगा, बुलेट स्पीड को होल्ड करके रखूँगा, तो डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर सीड्स तो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो जिससे सामने वाले पोकेमॉन को, एनपीसी को, जिसको भी फिट कर रहे हो उसको डैमेज मिलेगा, प्लस उसकी मूवमेंट स्पीड को भी शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे जो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा इसलिए आप बेरीज को स्ट्रैच करोगे उतने ज्यादा इसलिए आपका डैमेज डील करेगा ये मूव। बुलेट स्पीड ऐसे लोग यूज करते नहीं, बट हाँ अगर आप पसंद करते हो इसलिए आप यूज कर सकते हो। अब दोस्तों बात करने वाले कोविड की, जो कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मूव होता है अगर आप ग्रिड यूज करो, मतलब बहुत लोग उसको यूज करते हैं, बहुत लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। बेसिकली कोविड करता क्या, जैसे कि आप देखो अगर मैं कोविड के ऊपर क्लिक करूंगा तो बेसिकली आपका जो यूजर, आपका जो ग्रिड है वो रन करना शुरू कर देगा, प्लस सामने वाले पोकेमॉन को डैमेज देना शुरू कर देगा, साथ भागते भागते डैमेज भी देना शुरू कर देगा, प्लस जब आप भाग लोगे तो आपका यूजर जो है बेरीज ड्रॉप करना शुरू कर देगा, लाइक ग्रीन बेरीज ड्रॉप करना शुरू कर देगा। और जैसे आप बेरीज को ईट करते जाओगे आपकी मूवमेंट स्पीड उतनी ही इंक्रीज होगी, जितनी ज्यादा बेरीज ईट करोगे उतनी ज्यादा बेसिकली आपकी यहाँ पे जो मूवमेंट स्पीड इंक्रीज होती रहेगी, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने कोविड पर क्लिक किया, जैसे कि आप देखो मेरा यूजर जो है ग्रीन जो है डैमेज भी देते जा रहा है, प्लस बेरीज भी खाता जा रहा है, उसकी मूवमेंट स्पीड जो है इंक्रीज होती जा रही है। तो ये भी एक टाइम पर मतलब बहुत ज्यादा डिमांड, बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मूव होता है अगर आप ग्रिड यूज कर रहे हो, ठीक है। और जैसे ही मूव यूज कर दो आप टैकल और बेल्ट का बेसिकली आपका कूलडाउन है वो रिसेट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मूव आता है जो कि लोग यूज करते हैं कोविड को, मतलब बहुत ज्यादा डिमांड है बेसिकली देखने को मिलती है इस मूव की। अब दूसरे बात करने वाले बेल्ट की, बेसिकली बेल्ट करता है जो कि आपका लेवल 7 पर अनलॉक होता है स्पेशल अटैक वगैरह, ठीक है। अब सिंपल से बेल्ट करता है, ठीक है। सर मैं बेल्ट का रेडियस देखूँ तो डिसेंट अमाउंट से आपका रेडियस आपको देखने को मिलता है। बेसिकली बेल्ट करता है ये कहता है सामने वाले पोकेमॉन को या फिर एनपीसी को, जिसको भी आप डैमेज बेसिकली जिसको भी हिट करते हो उसको डैमेज प्रोवाइड देगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। ये लाइक एनपीसी है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा बेसिकली इस डेजिग्नेटर के अंदर मारूंगा तो उसको डैमेज मिलेगा, जैसे कि आप देख सो, प्लस क्या होगा उसकी जो मूवमेंट स्पीड है वो डिक्रीज होगी शॉर्ट टाइम के लिए। और जितना ज्यादा इसलिए बेरी स्टैश करोगे इस मूव के अंदर भी उतना ज्यादा इसलिए आपका मूव का कूल डाउन जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए यूज है जो यूज लेते हैं रादर देन बुलेट स्पीड, ठीक है। बुलेट स्पीड से ओवर इसको लोग प्रेफर करते हैं। अब दोस्तों अपन बात करना है लास्ट में यूनाइट मूव के बारे में, ठीक है, जो कि मतलब बहुत यूनिक है बेसिकली इसका यूनिट मूव। सिंपल देखो जैसे कि बता दूं कि यूनिट मूव करता है, तो पहले तो इसका रेडियस देख लो, इसका रेडियस आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले मैं इसको कैंसिल करता हूँ और इसका मैं रेडियस आपको दिखाता हूँ, मतलब अच्छा खासा रेडियस आपको देखने को मिल जाता है ग्रीडेंट के यूनाइट मूव का, ठीक है। अब इसके यूनाइट मूव करता क्या, ठीक है। जैसे आप यूनाइट मूव पे क्लिक करते हो तो आपको बेसिकली यूजर जो आपका ग्रीडेंट जो वो बेरी यहाँ पे जो ईट कर लेता है, जिससे आपकी एचपी जो रिकवर हो जाती है, प्लस ये लीप करते हैं डेजिग्नेटेड डायरेक्शन के अंदर। सपोज मैं अगर इस डायरेक्शन के अंदर माना चाहता हूँ तो जिस डायरेक्शन में माना चाहता हूँ उस तरफ बेसिकली जंप करके जाएगा, ठीक है। उस तरफ जंप करके जाएगा जो डैमेज प्रोवाइड करेगा सामने वाले पोकेमॉन का, फिर जिसको भी हिट करते हो उनको डैमेज प्रोवाइड होगा, प्लस आपको ये सोचा फिर एक स्पेशल बेरी को ईट कर लेता है, ठीक है। जैसे आप जंप करोगे आपका यूजर एक स्पेशल बेरी को ईट कर देता है, जिससे क्या होता है आप अनलिमिटेड बेरीज को स्टैश कर सकते हो अपनी टेल से फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है। और जैसे आप इस मूव को यूज करते हो आपके बाकी सारे मूव्स का जो कूलडाउन है वो रीसेट हो जाता है। ऐसा एग्जांपल मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सपोज मैं इस डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर जो माना चाहता हूँ अपने मूव, सबसे पहले क्या करेगा मेरे यूजर जो एक बेरी खा लेगा, जिससे मेरी एचपी जो रिकवर हो जाएगी, प्लस उस डेजिग्नेटेड डायरेक्शन के अंदर फिर जंप करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब जंप करेगा डैमेज प्रोवाइड होगा, अनलिमिटेड बेरीज मेरे जो यहाँ पे जो स्टैश हो जाएंगी मेरे टेल के अंदर, जिससे क्या होगा उसके बाद जैसे मैं इस मूव को यूज करूंगा तो मेरे सभी मूव का बेसिकली कूलडाउन है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मतलब बहुत ज्यादा कमाल का यूनाइट मूव आपको देखने को मिलता है। अगर आप हाई डैमेज डील करना चाहते हो एक डेजिग्नेटेड डायरेक्शन के अंदर तो आप ग्रिडेंट को प्रेफर कर सकते हो। तो बेसिकली मेरी तरफ से ये था बेस्ट बिल्ड जो कि मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया ग्रिडेंट का, ठीक है। अब दोस्तों पर बात करते हैं कि यहाँ पे आपको लेना क्या क्या चाहिए, मतलब बुलेट्स भी लेना चाहिए, फिर बेल्ट लेना चाहिए, फिर कोविड लेना चाहिए, स्टफ स्टिक्स लेना चाहिए, ठीक है। जो बेस्ट बिल्ड रहता है वो रहता है बेल्ट और कोविड का, ठीक है। बहुत लोग बुलेट स्पीड नहीं लेते, बुलेट स्पीड की जगह यहाँ पे जो है बेल्ट को यहाँ पे जो प्रेफर करते हैं, प्लस यहाँ पे स्टफ्स की जगह स्टफ स्टिक्स की जगह हमें कोविड को प्रेफर करते हैं, ठीक है। बहुत लोग स्टफ स्टिक्स भी लेते हैं बट मैं यहाँ पे कोविड प्रेफर करता हूँ पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। बेल्ट प्लस कोविड मेरे ख्याल से जो वन ऑफ द मोस्ट, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पे जो है बेस्ट आपको बिल्ड आपको देखने को मिलते हैं ग्रीडेंट का, ठीक है। तो बस दोस्तों बताना दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपको बेसिकली बेल्ट कैसा लगा, मैंने सब कुछ आपको इंडियनली यहाँ पे जो बता दिया, ठीक है। सब मैंने आपको यहाँ पे जो फुल गाइड कर दिया ग्रीडेंट का, मतलब एडियो मैंने आपको सब समझा दिया। तो बताना दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ऑब्वियसली बात है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरह से बेसिकली पोकेमॉन नेट से कंटेंट जो मेरे चैनल पर रोजाना अपलोड होता रहता है, प्लस फनी लाइव स्ट्रीम्स वगैरह भी मैं करता रहता। और मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर को अपने ज्वाइन नहीं किया तो सिंपल जाकर डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको कहीं भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट्स में पिन मिल जाएगा, ठीक है। कई बार भी क्लिक करके मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे कंडीशन में अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे सैनिटाइज, घर में रहो, चिल करो, जब कोई बाहर जाने की जरूरत है सब चिल करो और हमारी वीडियो देखते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे कंडीशन में अगली बार आपसे। बच्चे ने क्वेश्चन मेरे को बजा सर पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।